हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमर सखी। मैं हूँ संध्या। आज मैं आपको ग्लैमर सखी में मैंने जो मीशो से ब्लैक कलर का रेयॉन फैब्रिक का और जो ट्रेंडिंग में कुर्ती है वो लिया है खास करके आपके लिए। आपको रिव्यू देना बहुत ज़रूरी है। अनबॉक्सिंग के लिए आप शॉर्ट चेकआउट कीजिए। तो पहले अभी मीशो से मैंने कौन सा कुर्ती लिया है वो फ़ोटो चेकआउट कीजिए। ये देखिए फ़ोटो। नॉर्मली गाइज, फ़ोटो देख के तो आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स या लेडीज़ भी इसको बहुत पसंद कर रही है। तो सोचा एक लेके देखती हूँ और आपको रिव्यू देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको एक्चुअल पिक दिखाती हूँ। ये देखिए एक्चुअल पिक। एक्चुअल पिक बहुत ही अच्छा आया था, जैसे प्रिंट है वैसे ही आया था। ये डिजिटल प्रिंट है, इसमें ब्लैक एक ही कलर अवेलेबल है, अलग कलर है नहीं। और स्लीव जो है वो थोड़े अलग पैटर्न के है, स्लीव्स में ऐसे कट है। और इसका प्रिंट है जो डिजिटल प्रिंट है वो दोनों साइड स्लीव्स को भी है, तो मुझे बहुत वो अच्छा लगा। बट ये रेयॉन फैब्रिक का इन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, बट मैंने जब भी लिया तब मुझे ऐसे लगा नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जैसे है रेयॉन फैब्रिक। मैंने इस मीशो से बहुत सारे रेयॉन फैब्रिक के कुर्तीज़ लिए हैं, सेट लिए हैं, बट वैसे तो ये बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि ये मुझे थोड़ा प्लास्टिक रेयॉन की तरह लगा। मतलब वो फैब्रिक ही मुझे पसंद नहीं आया, फ्रैंकली स्पीकिंग टू। बाकी जैसे है कलर, साइज, लेंथ, सब 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 सेम है। साइज इसमें एस से लेके डबल एक्सेल तक अवेलेबल है। लेंथ इसकी 41 इंच है। ये स्ट्रेट कुर्ती इन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, बट मुझे नहीं लग रहा है, मुझे वो ए लाइन कुर्ती लग रहा है, क्योंकि दोनों साइड टैसल है और थोड़ा ऐसे स्टाइलिश लुक आगे पीछे ऊपर नीचे रहता है वैसे है, तो मुझे वो ए लाइन टाइप कुर्ती लगा। ये आप मतलब जीन्स के साथ पेयर कर सकते हो, रेड प्लाजो के साथ पेयर कर सकते हो, तो आपको जैसे पसंद आए वैसे पेयर अप कीजिए। बट लेने से पहले फैब्रिक का थोड़ा मुझे इशू लग रहा है, बाकी उन्होंने डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है वो सब एज इट इज़ सेम है। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। मुझे तो कुर्ती बोले तो पसंद आया, बट मैंने रिटर्न कर दिया क्योंकि मुझे फैब्रिक की वजह से थोड़ा 19-20 लगा। तो आपको लेना है तो देख लीजिए, सोच लीजिए, सोच के लीजिए। और इसका प्राइस मुझे कुछ 250 रुपये में मिला ये, तो प्राइस के हिसाब से मुझे ये डील अच्छी लगी, बट फैब्रिक के हिसाब से बिल्कुल नहीं। तो आपको लेना है तो सोच समझ के लीजिए। आपको ये मेरा रिव्यू कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे रिव्यू देखने हैं कि नहीं देखने वो भी ज़रूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।